हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कंटिन्यूस क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक नई बात बतलाने वाला हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम की नाइट वाला पेपर जो है, आप लोगों को एमसीजी स्कूल जो मेरे चैनल है, आप लोगों को वहीं पर मिलेगा। एमसीजी एकेडमी यदि चैनल पर विजिट करते हो तो नीचे ही आप लोगों को एमसीजी स्कूल मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को जो है एग्जाम की नाइट जो पेपर वाली बात हमने बोली थी वहाँ पर उपलब्ध होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि इस चैनल को जो है सब कुछ प्राप्त तो हो चुका है, इसके बावजूद यदि इस पर हम कुछ ऐसा करते हैं, यदि क्लेम वगैरह आ गया तो हमारा चैनल जो है नष्ट हो सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो है व्यवस्था की है एनसीजी स्कूल, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर विजिट करोगे तो आप सभी को मिल जाएगा। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है 8.4 के 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज आप लोगों का 5th क्वेश्चन से स्टार्टअप देना है, तो स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, 5th का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। 5th में काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित सर्वसम्मताएं सिद्ध करना है, जहाँ जिनके कोण एवं व्यंजक की परिभाषित है, वहाँ के कोण और व्यंजक की परिभाषित है। ये कोई मैटर नहीं करता आप लोगों के लिए, आपको सीधा सॉल्व आउट करना है। क्या कह रहा है, पहला कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। फ्रेंड्स, जब भी आप पढ़ते हो तो आप लोग जो है एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आपको कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर ही बैठना चाहिए। ओके, तो आइए इसको शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से इसको जो है सॉल्व आउट हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमको जो है LHS लेना है। हम RHS भी ले सकते हैं, किसी भी जो भी आप ले सकते हो, मोस्ट ऑफ हम LHS ही लेते हैं। तो LHS उतार दिया। इस कंडीशन में क्या है, हमारा आंसर तो दिया रहता है, बस हमको LHS को RHS के बराबर दिखाना होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब LHS हो गया, LHS निकाल लिया, अब आप लोगों को LHS निकला कहाँ, इसको सॉल्व करना है। cosec थीटा दिया है, फॉर्मूले हर एक लाइन में जो कुछ भी हो रहा है उसका फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है। जैसे cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ओके, ठीक है, और आप लोगों का cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। यदि आप लोगों को अच्छे सारे नंबर चाहिए तो आप लोगों को ये सब कुछ करना होगा। क्या इसी लाइन में किया है तो इसी लाइन में लिखना है, चूंकि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है तो ये आपको फॉर्मूला लिखना है, और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ठीक, ये आप लोगों को हर जगह लिखना है, जहाँ कहीं भी यदि यदि फॉर्मूले यूज होते हैं तो आप लोगों को लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों क्या हो रहा है, ये LCM यदि लोगे तो ये जाएगा sin थीटा, ठीक है, और ये sin थीटा आ जाएगा, और ऊपर पे आ जाएगा 1-cos थीटा हो जाएगा 1-cos थीटा। ओके, आप लोगों को देख रहा है स्क्वायर लगा हुआ है, पूरे पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस वाली कंडीशन में हमको क्या करना होगा, स्क्वायर को पूरा खोलना होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन आपको दिख रहा होगा। ओके, तो देखो मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा, साइन थीटा जो होता है, मैंने आपको फॉर्मूला कुछ लिखवाया था, पहले इसको क्लियर कर दीजिए। होगा आप लोगों का 1-cos होल स्क्वायर के रूप में है तो होल स्क्वायर के रूप में ही रहने दीजिए, तो 1-cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब 1-cos थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ऐसा लिखा रहने दीजिए, 1-cos थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1-cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कि नहीं, यहाँ फॉर्मूला इधर राइट साइड में लिखना है फॉर्मूले सारे के सारे, अपने क्लास के बोर्ड पर जगह नहीं बचेगी। अभी लिख करके यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे कि क्या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू होता है 1-cos स्क्वायर थीटा। ओके, कोई इश्यू यहाँ तक तो नहीं है, सब कुछ ओके। हाँ, अब आप लोगों को इसी को आगे सॉल्व आउट करना है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, 1-cos स्क्वायर थीटा का ऐसा कैसा लिख दीजिए, 1-cos थीटा का होल स्क्वायर है, और ये आपको दिख रहा होगा 1-cos स्क्वायर थीटा। तो ये a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, और a² - b² वाला फॉर्मूला क्या कहता है, a+b, ये मैंने इसमें मतलब a और -cos थीटा और a मतलब 1+cos थीटा। ओके, और यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a² - b² मतलब a² - b² आप लोगों का होता है a+b और a-b मल्टीप्लाई में होते हैं। ओके, ठीक, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस वाला कंडीशन एक से एक कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 1-cos थीटा अपन क्या बचेगा, 1+cos थीटा। ये था आप लोगों का, देखो RHS आ गया, RHS ये था ना, RHS आ गया, तो मान आप लोगों का जो है ये प्रूफ हो चुका। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हैंस प्रूफ, या तो प्रूफ करने के लिए पूछा गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को इतना ही लिखना है।
और नहीं तो आप लोगों को लिखना है LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS, hence proof। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लोगों को अच्छे से मार्क्स गेन करवाने में हेल्प करती हैं, ओके। इसी के साथ आप लोगों का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपसे क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन इसका, अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, यहाँ पर भी आप लोगों को LHS ले लेना है। LHS यहाँ पर देखो, अब मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो है आप लोगों के काफी बड़े होंगे ये, लेकिन चीजें बहुत आसान है, आप लोगों को आसानी से समझ आएंगे, ओके। अपॉन कॉस थीटा, देखो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंट ध्यान में रखना होगा जिससे आप लोग जो है आसानी से इसको सॉल्व आउट कर सको, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन को भी यदि आपको करना है तो सबसे पहले देखो प्लस वाली कंडीशन, जो हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ देखो शॉर्ट थिंग्स में आपको बताता हूँ। बेसिकली आप लोगों को यदि किसी भी कंडीशन में दिया गया है, टेन में दिया गया है या कॉट में दिया गया है या कॉसेक है या सेक है, जो कि पलट करके साइन और कॉस में आ सकता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को लौट करके साइन और कॉस में ही आना है, क्योंकि साइन और कॉस में यदि आप आ जाते हो तो वहाँ से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, ओके। अब यहाँ वाली कंडीशन में क्या है, साइन कॉस पहले से ही इवेंट हुई है तो ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी ली हुई है। अब प्लस वाली कंडीशन है तो आप लोगों को इनका एलसीएम ले लेना है, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस ए वन प्लस साइन ए, ओके। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसका डिवाइड इसमें देते हैं, जो कुछ भी बचता है जो कुछ भी आप लोगों के पास आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, तो कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ होगी, इससे ए कट जाएगा, मतलब साइन ए का मतलब वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक। कॉस स्क्वायर ए को आप क्या ले सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, या अभी पहले इसको खोलते हैं, पहले इसको बैठा रहने दो, इसको बैठा रहने दो, हो सकता है कि आपका वन हो जाए, वन प्लस साइन स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लेता है, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी, मतलब टू ए का मतलब एक और साइन ए, टू साइन ए, ओके। और ये क्या हो गया, कॉस ए वन प्लस साइन ए, ओके ओके। देखो मैंने इसीलिए रोका था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, दोनों को जोड़ के फॉर्मूला होता ही, हर जगह फॉर्मूला आपको लिखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हर जगह फॉर्मूला आपको लिखना है, चूंकि ए प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है, क्या देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी, ठीक। यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लगने वाला है, यहाँ इस वाली लाइन में लगेगा, क्या लगेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और यदि आप बार बार फॉर्मूला लिखते हो तो आप भूलोगे, यकीन मानो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग मुझे 300 से 400 फॉर्मूले याद हैं, आप भी नहीं भूलोगे यदि लगातार लिखोगे तो। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑलरेडी एक है, एक एक दो हो जाएगा, दो प्लस दो साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि आप वन प्लस साइन ए है, कोई इशू नहीं आता। यहाँ आप लोगों को देख रहा होगा दो दोनों में है तो दो को कॉमन ले लीजिए, दो को यदि आप कॉमन लेते हो तो क्या आएगा आप लोगों का, दो और यहाँ क्या बचेगा, वन और प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, ठीक। यहाँ अपन में क्या है आप लोगों का कॉस ए, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का वन प्लस साइन ए, कुछ दिख रहा है आपको, ये कट जाएगा, कट गया, ये आपका आएगा टू इंटू वन अपॉन कॉस ए, वो अपन नहीं था, मैंने अपन इसलिए कर दिया क्योंकि फॉर्मूला जिससे आपको दिखा सकूँ, ये आपका हो जाएगा टू सेक ए, आपका हो गया सर, कैसे हो जाएगा भाई, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन सेक थीटा, या वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कौन सा लगा है, वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू लगा है सेक, ठीक है, आपको जैसा लगा वो वैसा ही ले लेगा, कोई इशू तो नहीं है। एक्चुअल मैं पहले ही बता चुका हूँ, साइन का उल्टा होता है कॉस एक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉस, ओके। तो इन सब चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है यदि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ बनाना चाहते हो। ट्रिग्नोमेट्री आपके टेंथ क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, ये आपके सामने दिया गया है, सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, बस आप लोगों को LHS लेकर के सॉल्व करना है। तो LHS आप लोगों ने ले लिया, कितना होगा LHS आप लोगों का होगा टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा
अपॉन वन माइनस का टेन, वन टाइम क्वेश्चन मैच करने को टेन थीटा, वही मैं बोल रहा था कि पूरा देखो कभी भी आपको भी यदि कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में टेन कॉट के साथ ही आता है, मेरी यहाँ कॉस देखा इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हुआ, मैंने तत्काल पकड़ लिया। अब यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा लौट करके हमें सेक और कॉस एक में जाना है, और सेक और कॉस एक किससे संबंध बनाते हैं, वो बनाते हैं साइन और कॉस से, बनाते भी नहीं बनाते, तो हम इनको भी साइन और कॉस में लेके चलते हैं। इनको यदि साइन और कॉस एक में जो है साइन और कॉस में लेकर के जाओगे तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। और ये वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, हाँ ये वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों के फॉर्मूले कौन कौन से यूज हुए हैं, आप लोगों को यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखना है कि यहाँ यूज हुआ है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये यूज हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू होता है अपना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए गए, कोई इसे यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए, ओके। अब आप लोगों को थोड़ा सा देखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो आपकी लाइन जो दर्शाती है वो अपॉन को दर्शा रही है, तो ध्यान में रखिए ना साइन थीटा ये है अपॉन कॉस थीटा, ये आप लोगों का एक और अपॉन बन गया, ये डबल बटे है, देखो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये एक के बटे में एक बन गया, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा साइन थीटा आएगा, और इसको यदि ऐसे करते हो तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यही होगा होगा, हाँ प्लस लगा दिया, ये होगा आप लोगों का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ भी सेम कंडीशन एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, समझ में आया कुछ, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा, ओके। अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, क्या साइन थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और ये पलट जाएगा क्योंकि बटे के बटे में डबल बटे होता है तो संख्याएं पलट जाती है, देखो ऊपर वाली संख्या बटे में और ये बटे उसके बटे में भी डबल बटे है ना, तो संख्याएं पलट जाती है, भाई पलट के क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, प्लस लगा लीजिए, और फिर इसी प्रकार से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये भी पलट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन, देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिख रही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, क्यों ना हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करते हैं तो शायद कुछ अच्छा सा लगेगा, भाई साइन को आगे लाने के लिए उसका प्लस होना जरूरी है, तो मैं सीधा सीधा माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर माइनस है नहीं तो समझना ध्यान से, यहाँ हम माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पूरी संख्या पर, क्यों, क्योंकि मैं अभी बतलाता हूँ साइन थीटा माइनस इसको क्या कर सकते हैं कॉस थीटा कैसे करेंगे, देखना इसी माइनस का यदि आप द्वारा इसमें गुणा करते हो, नीचे से निकला है ना, तो यहाँ यदि आप द्वारा गुणा करते हो तो आप लोग क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब यही वाली कंडीशन माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए अपन ने माइनस यहाँ से लिया है, माइनस लिया है तो साइन ने अपना माइनस दे दिया है, भाई दे दिया तो ये धनी हो गया, तुमने मुझे पैसे उधार दिए तो आप धनी व्यक्ति हो, मैंने लिए तो मैं ऋणी व्यक्ति हो गया, ठीक। कुछ कंडीशन यहाँ पर हमने ये किसी लिए किया क्योंकि जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कुछ सुंदर सा लिखेगा, है ना, तो अब हम इसको मिटा सकते हैं क्योंकि मैंने ये आपको देखने दिखाने के लिए बनाया था, और आपको लिखना जरूर है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में यदि आप लोग फुल मार्क्स गेन करना चाहते हो तो ये आप लोगों को लिखना कंपलसरी है, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देखना एलसीएम लेंगे कम्प्लीटली तो क्या आने वाला है, देखो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका एलसीएम आएगा, मतलब क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आ गया इतना सुंदर सा एलसीएम, यदि ये सुंदर सा नहीं होती तो फिर एक और आता यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ रहे हो, इससे आपको परेशानी हो सकती थी, ठीक, हाँ यहाँ तक कोई इशू नहीं है, सब कुछ ओके है, हाँ ओके है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ठीक है, सब कुछ मैं भी एक बार मैच कर लूँ, हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सब कुछ ओके है, कोई इशू नहीं है, था आप यहाँ देखना आप लोग ये है आप लोगों का इसका यदि एलसीएम इसमें देते हो तो आपका साइन अकेला बचता है साइन का ऊपर गुणा करोगे तो ऑलरेडी फिर दो साइन तो ऑलरेडी है और ऊपर साइन पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का माइनस लगा दिया और सेम यहाँ पर क्या है साइन और ये है साइन, ऐसे देखिए कॉस बचेगा कॉस का ऊपर करेंगे तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा।
अब ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखाऊंगा धीरे से, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन शायद से थोड़ा भी हो तो मुझे बताइए। नहीं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये माइनस वाला होता है तो यहाँ पर ये प्लस होता है, बस ओनली इतना कंफ्यूजन। ओके, अब ए क्यू यहाँ पर जो फॉर्मूला अब यूज होने वाला है, क्योंकि देखो ए का मान यहाँ पर साइन है और बी का मान यहाँ पर कॉस है, ठीक, इसको हम रखते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और बटे में आपने बैठने वाले हैं साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कितना सुंदर दृश्य है, ये इससे कट जाएगा भाई, कट गया, ठीक है। ओके, आपकी क्या डिमांड रहती है? आपकी डिमांड रहती है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या रहती है आप लोगों के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। और ये यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का उपयोग किया गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यदि आप मान के साथ साथ ये भी रखते हो तो आप लोगों को अच्छा महसूस होगा। अब हमको क्या है, ये लाना है भाई, ये लाने के लिए हमको क्या है, इसके अलग अलग बटे करने पड़ेंगे। ये प्लस लगा हुआ है, जैसे हम एलसीएम लेके एक कर देते हैं, ऐसे अलग अलग बटे करके अलग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कट जाएगा, कट गया, तो ये हाफ हो जाएगा वन, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस वन अपॉन कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा और प्लस का वन। यही तो आप लोगों से पूछा गया था, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सही रूप में लिखूँ वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो मल्टीप्लाई में करने से या प्लस में आगे आगे लिखने से कोई इशू नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, तीन दूनी छः होता है और दो दिया छः होता है, ठीक, तो आगे पीछे लिखने से कोई अंतर संख्याओं पर नहीं पड़ता। ओके, इसी के साथ आप लोगों का जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। चलते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, आपसे क्या कहते हैं, आपके सामने ही दिया गया है, LHS लीजिए, वन प्लस sec a अपॉन sec a। जब भी क्वेश्चन करो ठंडे दिमाग से सोचो बंदा चाहता क्या है, बंदा चाहता है sin स्क्वायर a अपॉन वन प्लस cos a, ये आपका RHS है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं इसी की तलाश में, तो ये आपका हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन cos a, और ये हो जाएगा वन अपॉन cos a। आपका हो गया कैसे भाई, सूत्र का प्रयोग किया यहाँ पर, sec थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन cos थीटा, और थीटा यहाँ पर a था तो a ही रख दिया, ठीक। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos a, ये हो जाएगा cos a प्लस का वन, उल्टा कर दोगे हो जाएगा cos a अपॉन वन। इस कंडीशन में तो ये कटने को तैयार हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, इस कंडीशन में तो ये कटने को तैयार हो जाएगा। देखो यदि काटोगे आप इसको तो आसानी से काट भी सकते हो, कट भी जाएगा, कट भी गया लो, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, बर्थडे में कॉस नहीं चाहिए, अपॉन में चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों को क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन यही आएंगे, मैं आपसे अभी लिख करके देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ पर वन अपॉन कॉस अपॉन में चाहिए, तो भाई अपॉन में लाने के लिए हम सीधा लगाए ही देते हैं, क्या है कॉस है ना, इसको लिख सकते हैं अपन वन प्लस कॉस, अपन में लिख दीजिए वन माइनस कॉस, और ये अपन में लिखा है तो ऊपर लिखना पड़ेगा वन माइनस कॉस। ये ए प्लस बी ए माइनस वाली कंडीशन तैयार हो गई कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर, अपन में क्या हो गया वन माइनस कॉस हो गया कि नहीं हो। यहाँ पर कौन लगा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो कर दिया ए प्लस बी था ए माइनस, मतलब वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस स्क्वायर टू क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला वन माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर टू होता है साइन स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ आप लोगों का ये है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, काफ़ी ईजी था। चलते हैं इसके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है आप लोगों से फिफ्थ।
ये है आप लोगों का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। देखो हर कोई जो प्रश्न होता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, इसकी भी अपनी कोई इज्जत है, तो इसको भी थोड़ा इज्जतदार तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको क्या है कोर्ट में लेकर के आना है। भाई कोर्ट में जाने का एक ही तरीका होता है कि पहले कोर्ट वाली पोजिशन हमको बनानी तो होगी ना। कोर्ट वाली पोजिशन कब बन सकती है, कॉज अपॉन साइन ए, है ना, किसी ना किसी कंडीशन में कोर्ट तो होना चाहिए। तो हम कैसा करते हैं, साइन ए से सभी भाग देते हैं, साइन ए से भाग देते हैं, यहाँ भाग देते हैं, तो प्रत्येक संख्या में से भाग लिया जाता है। LHS सॉल्व कर रहे हैं आपको, ओके, तो cos a अपॉन sin a, ठीक है, माइनस sin a अपॉन sin a और प्लस 1 अपॉन sin a। आप कहोगे यहाँ से क्यों मिटा दें, क्योंकि मेन बीच वाला तो ये होने वाला है, तो यहाँ लगाएंगे cos a अपॉन sin a प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। कॉस अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए होता है ना, माइनस ये हो जाएगा वन और प्लस का क्या हो जाएगा कॉस ए, ये भी आप लोग का कॉट ए प्लस का वन माइनस का कॉस ए। यहाँ पर आप लोग कौन कौन से फॉर्मूला से किए गए हैं, आप लोगों को फॉर्मूला लिखना होगा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा और 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, दोनों के दोनों ही फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पर लिखने होंगे, ओके, क्योंकि यदि लिखोगे नहीं तो शायद इतना जो है वैल्यू इसका नहीं होगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा, ओके। अब आप लोगों को दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ तो क्लियर हो रही होगी यहाँ पर, कि हमको तीन संख्याएं दी गई हैं, इनका कोई ना कोई हमको एक ग्रुप तो तैयार करना पड़ेगा। भाई ग्रुप तैयार करने के लिए मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू कोसेक स्क्वायर थीटा लिखवाया था, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस वाली कंडीशन में कॉट माइनस कॉस आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, तो माइनस वाली कंडीशन में ही इसको लेकर के चलते हैं, ओके। माइनस वाली कंडीशन आपसे क्या कहती है, कॉट ए, ठीक, इसको इधर ले आते क्या प्लस कोसेक कोसेक और माइनस का वन, ओके, सेम आप लोगों का नीचे कॉट ए माइनस का कॉस ए प्लस का वन, लेकिन ये राज आपकी रानियों के साथ रहेगा और ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा नीचे ग्रुप में रहेगा और ऊपर वाला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब हमको मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था शायद कॉट स्क्वायर, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू क्या लिखवाया था मैंने, कॉस एक स्क्वायर थीटा लिखवाया था, हाँ, तो आप लोगों का यदि कॉट माइनस कॉसेक हो जाए, ये कॉट है हमारा, कॉट माइनस कॉसेक हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर पहुंच जाएगा माइनस का वन, तो हम कम से कम ये वाली कंडीशन तो बनानी है, ये प्लस वाला है, यहाँ पर एक माइनस वाले की आवश्यकता और है कि नहीं, माइनस वाले लाने के लिए माइनस वाले से गुणा कर दीजिए, क्या कॉट ए माइनस का कॉसेक, आप कहोगे कैसे गुणा कर दिया, भाई गुणा किया है तो भाग भी दे दिया, मैंने तुमको 10 का दिया और 10 का छीन लिया, तुम पे तो कोई असर नहीं है, ऐसे मैंने आपको इतने रुपए का गुणा किया और इतने से ही भाग दे दिया, ये लो भाई। अच्छा आपको एक इसका अच्छा सा उदाहरण देता हूँ, शायद आप कभी शादी ब्याह में गए होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, हम जब कभी मामा के यहाँ जाते हैं तो मामा के यहाँ क्या होता है कि हमको पहले तो बिठा लेते हैं, मतलब बहुत सारे पैसे देते हैं, किस लिए, वो शादियों में जाते हैं जब जो तलब करते हैं ना, तो उस समय हमको बैठा लिया जाएगा और खूब पैसे दिए जाएंगे और फिर हमसे कह देंगे तुम भी बैठ जाओ, क्यों, बोले अब तुम भी टीका करना हो तुम भी देना, मुझे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मुझे बड़ा अचंभा हुआ, पहले तो मेरे साथ तलाक हो रहा था, मुझे अच्छे से पैसे मिले, मेरे से ये अच्छी बात है, और फिर उन्होंने कहा तुम भी बैठ जाओ अच्छे से पैसे हुए तलाक कर देना, तो ऐसे ही हुआ यहाँ पर भी, इतने का गुणा कर दिया उतने कितने मतलब भाग दे दिया, कोई असर नहीं है, सेम कंडीशन मेरे साथ थी, उतने पैसे दिए उतने से तलाक करवा दिया, है ना, ये हो गया। अब यहाँ आप लोग आसानी से इसका गुणा कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई में, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, भाई इसका इसमें गुणा करोगे तो कंडीशन कुछ कैसी होने वाली है, ऐसी होगी, देखो दोनों संख्या अपने में अलग अलग है, पहले इसका इसमें गुणा होगा फिर इसका इसमें गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, और नीचे वाली संख्याएं अपने आप में राजा है तो वो ऐसे ही बैठी रहेगी, ठीक, तो इसका इसमें गुणा कीजिए, पहले इसका इसमें होगा, इसका इसमें यदि गुणा होगा तो क्या कंडीशन बनने वाली है, कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए। आप कहोगे ऐसे कैसे, भाई ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो ए प्लस बी माइनस बी वाला कंडीशन लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ बोलो हाँ, और माइनस वन से गुणा होगा तो भाई ये लग दो माइनस का वन और फिर इससे गुणा करोगे इसका, तो ये हो जाएगा कॉट ए
व्हाट ए और माइनस का कॉस है कि ठीक। अब अपॉन वाली कंडीशन क्या कहते हैं आप लोगों से, व्हाट ए माइनस का कॉस है कि प्लस का वन, ठीक है सर। ये क्या कहता है आप लोगों से, व्हाट ए माइनस का कॉस है कि, ठीक है सर। यहाँ पर आप लोगों को माइनस का वन मिलेगा, मैंने जैसे कि पहले बता दिया कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वन होता है, ये माइनस का वन हो गया। ये माइनस का वन का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का कॉट ए और प्लस का कॉस है के, ये दो चीज़ें प्राप्त होंगी आप लोगों को, ठीक। इसको भी लिख दीजिए कुछ इसी क्रम में, किस तरीके से मतलब इसको यदि आपको हटाना है या घटाना है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से आप लोग जो है एक माइनस कॉमन ले सकते हो। मैं अभी आपको माइनस कॉमन लेके दिखाता हूँ, देखो ऊपर जो भी दिया गया है सब कुछ अभी तो इसको लिखा रहे दीजिए, नहीं तो आप कहोगे सर ने बिगाड़ दिया। कंडीशन बिगड़ेगी नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग जो है एक यहाँ से एक माइनस कॉमन ले सकते हो, मैं अभी आपको बतलाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग उसको कॉमन ले सकते हो, ओके। तो द वेरी फर्स्ट आपको क्या करना है, ये आपका दिया गया है कॉस्ट कंडीशन कॉट एस माइनस कॉट, ठीक है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉट माइनस कॉस है, ठीक। अब यहाँ पर जैसा कहते हैं लिख दीजिए, कॉट ए माइनस का कॉस है भी और प्लस का बल, ओके, और यहाँ पर भी जैसा कहते हैं लिख दीजिए, या यहाँ पर आप पलट दीजिए कॉस है ए माइनस का कॉट ए। अब ऐसा पलटेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमको, क्यों पलटा फिर, यदि कुछ मिला नहीं तो आपको क्यों पलटा। देखो ये प्लस का था, इसको बाबू हमने माइनस का कर दिया, तो ये तभी माइनस का होता है जब इसे माइनस का गुणा किया जाएगा, माइनस का गुणा किया मतलब एक माइनस बाहर भी रखा होगा, है ना। तो माइनस का ये माइनस हमारे पास एक माइनस का, जैसे एक माइनस ये रहा नीचे कॉमन ले लिया, माइनस एक तरीके से कह सकते हैं पूरे में से इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से आया ना मेनली तरीके से, इसमें से आया तो पूरा गुणे के तरीके से एक में से भी बाहर आ गया, आ गया, ठीक है। सेम कंडीशन ऊपर हम यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का कॉस एक हो जाएगा क्योंकि अभी जो प्लस का है ये प्लस का बन हो जाएगा, और नीचे भी माइनस बैठा हुआ है और यहाँ भी हमारा कॉट ए माइनस का कॉस एक और प्लस का बन बैठा हुआ, ठीक, और ये हमारा बैठा हुआ ये कॉस एक माइनस का कॉट ए, ओके, ये माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, ये तो हमारा टारगेट था, टारगेट प्राप्त हुआ। फाइनली टारगेट तो लेकिन वो है भाई, उसको भी प्राप्त करना पड़ेगा, उसको कैसे प्राप्त करोगे देखते हैं सर। उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है वन अपॉन कॉस एक और माइनस कॉट ए, हमको लेकिन ऊपर चाहिए वो प्लस के साथ, ऊपर चाहिए तो ऊपर से गुणा कर दो, कॉस एक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए, और नीचे क्या है कॉस एक माइनस का कॉट ए, लेकिन हमने ऊपर गुणा किया है तो उसी संख्या का नीचे भाग भी देना पड़ेगा, तो कॉस एक ए और माइनस प्लस का था प्लस का, हाँ प्लस का कॉट ए। आप कहोगे गुणा क्यों किया भाई, भाई गुणा इसीलिए किया था हमने कि यदि देखो कॉट स्क्वायर माइनस कॉस एक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को यदि इधर लाओगे तो कॉस एक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वन होता है, और यहाँ पर ए प्लस बी माइनस बी वाली कंडीशन क्लियर दिख रही है माइनस, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर मतलब हो जाएगा वन। देखो इसको यदि इधर ले जाओ यहाँ आपको दिख रहा होगा तो वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर वाले फॉर्मूला बनेगा तो ये आपका हो जाएगा वन, और यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। हर लाइन में जो भी फॉर्मूला यूज हुए हैं उनको लिखना जरूरी है, ये आप लोगों का आरएचएस आ गया। यदि यहाँ भी एक लाइन हो सकती है अपॉन में मैं कर ही देता हूँ, यहाँ आपकी एक लाइन हो सकती है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक, और इसका मान कितना होता है वन, फॉर्मूले के रूप में लिख देना, फिर फाइनली आंसर लिख देना कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। हर एक चीज आपको इस तरीके से समझाई गई है कि मैं आशा करता हूँ शायद आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है सिक्स नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से, ये है आप लोगों का सिक्स नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देख लीजिए एलएचएस हमने जो ऑलरेडी नोट कर ही लिया है, हमको पोजीशन चाहिए ये वाली sec थीटा प्लस tan थीटा वाली, भाई sec थीटा प्लस tan थीटा मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू क्या होता है sec थीटा sec स्क्वायर थीटा सॉरी sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो आपको ये पोजीशन चाहिए, ये आपने बिल्कुल डिसाइड कर ही लिया है कौन सा सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है सर। जब कभी भी आप यदि रूट के रूप में हो तो एक सबसे पहला फॉर्मूला आपको लगाना है क्या, हर का परिमेयीकरण रैशनलाइजेशन आपको करना है, वो आप लोगों को कैसे होता है, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए
और इसी का ऊपर गुणा ऊपर नीचे गुणा करते थे, इसी संख्या का नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं चिन्ह परिवर्तित करके। तो नीचे वाली संख्या है 1 और ये हो जाएगा प्लस साइन, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित करके करना है और 1 प्लस साइन ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक। ये होता है रैशनलाइजेशन, प्रमेयीकरण। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ये आपका, ठीक है। और ये आपका हो गया 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपका होगी ये कैसे हो गया, यहाँ फॉर्मूला लगा है आप लोग का ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर टू क्या होता है आप लोग का ए स्क्वायर माइनस वन बी स्क्वायर होता है। तो ये दोनों ही आप लोगों का राइट आंसर है। अब इस कंडीशन में आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ऊपर वाले के लिए रूट हटे जाएगा, तो यह हो जाएगा आप लोगों का 1 प्लस साइन ए, ओके। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर हो गया भाई, स्क्वायर ये भी हो गया। तो यहाँ से भी आप रूट आसानी से हटा सकते हो, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस हो गया, कोई इशू नहीं है भाई, नहीं है तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, क्या 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब एलसीएम लोगे तो कॉस ही आ जाएगा, फिर 1 प्लस साइन सेम एज ऐसा ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं, मतलब यदि एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं तो अलग करके उनको हटा भी दे सकते हैं ना, घटाना नहीं हटाना है। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है भाई, sec a होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है, और यही आप लोगों का क्या है भाई, RHS क्या है, RHS। तो इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू आप लोगों का RHS। थैंक्स टू, आई होप मैं आशा करता हूँ ये सही नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों का 7th नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, देख रहा होगा LHS हमने लोगों का रखा है, यहाँ पर हमको किस में बदलना है, इसको tan थीटा में, क्लियरली दिख रहा है tan थीटा में बदलना है। तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत तो करनी ही नहीं, सीधा tan थीटा की ओर जो है मोड़ना है। वेरी फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पर कॉमन दिख रहा है कि आप लोग आसानी से sin थीटा कॉमन ले सकते हो, sin थीटा कॉमन लो, ये आप लोगों को हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे भी आपको दिख रहा होगा cos थीटा कॉमन ले सकते हो, ये भी आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। दोनों ही कंडीशन आप लोगों के सामने क्लियर है। अब एक बात आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको बतलाने वाला हूँ, हाल ही sin स्क्वायर थीटा वाले में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे वाले में जो आप लोगों का cos स्क्वायर थीटा है, इसको तो आप sin में बदल सकते हो, दोनों में से किसी को भी बदल सकते हो, परेशानी नहीं है। sin को भी बदल सकते हो cos में, और cos को भी बदल सकते हो sin में। कैसे, देखो मैं बताता हूं, sin थीटा और ये है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये हो गया cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, क्या sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस का 1 हो गया, ओके। इसका आप करते हो तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा आप लोगों कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो रहा है ना। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज हुए हैं, अब आपको लिखना होगा, मैंने शुरुआत ही लिखवा दी है, फिर भी आप लोगों को आप कंटिन्यूस लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज किया है क्या, यहाँ पर मैंने यूज किया है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला छोटे छोटे होते हैं लेकिन आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण होते हैं, फाइनल पेपर में तो आपको लिखना ही है, ओके। ये है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा आप लोगों का tan थीटा, ठीक है। ये क्या लिखा हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या रहेगा, देखो ये माइनस का 1 है ये प्लस का 2 है, तो ये घट जाएगा, तो 1 माइनस का 2 sin थीटा अपॉन का नीचे, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन का नीचे दिया जाएगा। ये कट गया भाई, कट गया, कोई इशू नहीं है, ये आपका रह गया tan थीटा। tan थीटा मींस आप लोगों का आ गया RHS, यही तो हमको फाइंड करना था ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS। 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, चलते हैं 8th नंबर की क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको देख रहा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली ही LHS जो दिया गया है वहां पर आप लोगों को स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्लियर देखना है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या कहता है आप लोगों से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर होता है, ओके भाई। ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, मान लो अब इनको खोलना शुरू कर दो, ए स्क्वायर यानी भाई साइन स्क्वायर है,
बी स्क्वायर यानी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का टू ए बी, टू ए और बी, ठीक है कॉस एक्स ए, सेम इसको खोल दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का टू कॉस ए इंटू सेक ए, कोई इश्यू यहां तक तो नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है भाई, वन होता है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक हमको, ठीक। ये आपका दिया गया टू साइन ए कॉस है के, भाई ये आपका दिया गया टू साइन ए कॉस है के, कॉस है के इक्वल टू वन अपॉन साइन ए होता है, एक्चुअल में ये साइन तो दोनों संख्याएं उल्टी हो रहा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, एक्चुअल में ये कट जाएंगी आपस में, तो यहां से दो आएगा और कॉस और सेक को भी उल्टा होता है, यहां से भी आपका दो आ जाएगा, फॉर्मूले में अभी लिखवा रहा हूं मैं तो कर ही देता हूँ, आप लोग बाद में परेशान होंगे, जैसे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, इतना इतना तो समझ में आया होगा, इससे कोई इश्यू नहीं है। अब कॉस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है स्क्वायर ए, यहाँ टू साइन ए का साइन ए और कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है वन अपॉन साइन ए होता है, मैं किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, ये कॉस एक्स स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए तो वन हो गया था, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा टू कॉस एक कॉस ए कॉस ए, और सेक इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन कॉस ए, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक देखना, ये हो गया वन टू और ये हो गया थ्री और थ्री, और यहाँ भी टू बचेगा, थ्री और टू फाइव, और यहाँ भी टू बचेगा सेवन, मतलब यहाँ हो गया आप लोगों का सेवन, और ये बचा आप लोगों का कॉट स्क्वायर और प्लस का टेन स्क्वायर। इस वाले लाइन में फॉर्मूले कौन कौन से यूज हुए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो ये कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू क्या है वन अपॉन साइन ए, ठीक हाँ, sec a इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन cos a, ठीक है स्क्वायर वाला फॉर्मूला ऑलरेडी लिख ही दिया, और क्या हाँ cos a स्क्वायर a इक्वल टू होता है वन प्लस cot स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है वन प्लस tan स्क्वायर a, ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए गए थे, जो कि आप लोगों को हर बार यदि फॉर्मूला लिखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है आप लोगों से, इसका एलएचएस नोट कीजिए, कोसेक ए माइनस का साइन ए, और ये है आप लोगों का सेक ए माइनस का कोसेक, कोस ए, क्वेश्चन पेपर मैच कर लीजिए, कोस ए ठीक है सेक ए ठीक है कोसेक माइनस साइन, देखो हर जगह आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन की क्या प्रक्रिया है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ना, तो ये सब कुछ आपको समझना होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था यदि आप लोग घूम घाम के कैसे भी आप यदि आप जो है उल्टे सीधे हो साइन कॉस में पहुंच जाइए, ठीक है कॉसेक है भाई ये हो सकता है आप लोगों का वन अपॉन साइन ए, ये हो सकता है साइन ए का साइन ए, ऑलरेडी साइन नहीं है ठीक, ये आपका वन अपॉन कॉस ए हो सकता है, ये आपका कॉस ए का कॉस ए है, कोई इशू यहाँ तक तो नहीं है, ठीक है एलसीएम लेते हैं बाबू क्या आएगा आप लोगों का साइन ए, ये हो जाए आप लोगों का वन माइनस साइन स्क्वायर, आप आओगे कैसे ये तो आपको आता ही होगा, एलसीएम लेने के बाद इसे इसमें डिवाइड देते हैं, यहाँ एक ही है तो ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा वन मतलब कॉस ए एलसीएम में आएगा और वन माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का ये हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है, नहीं है ओके। यहाँ हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज उपयोग किए हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, देखो sec थीटा इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा ये किया है एंड cosec थीटा इक्वल टू वन अपॉन sin थीटा ये किया है, यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ओके ठीक है। अब ये दोनों ही मल्टीप्लाई के रूप में है तो आप इनका गुणा कर सकते हो, गुणा करने पर आप लोगों का हो जाएगा ये sin a into cos a ठीक है, और ये 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोगों का sin स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोई इशू नहीं है, और ये आप लोगों का कॉस अपॉन साइन है। देखो आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी कठिन लगेंगी लेकिन चीज़ें इतनी आसान हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कॉस ए बंदा हायर कट गया, ये भी इससे कट गया, कट गया ना, ये आपका हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, लेकिन भाई चाहता क्या है अपन से, भाई चाहता है आप लोगों से वन अपॉन वन वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए दोनों ही कंडीशन चाहता है। अब इस वाली कंडीशन में देखो यदि मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है इसको गुणा से जो है जोड़ तक ले जाने में थोड़ा सा हमको परेशानी होती है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोनों ही पक्ष को सॉल्व करते हैं, मतलब एल एच एस को भी सॉल्व करते हैं और आर एच एस को भी सॉल्व करते हैं ओके।
देन आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को आरएचएस को भी सॉल्व करना, आप प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो। यहाँ फॉर्मेलिटी ये रहती है कि आपको एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना है, भले एक जो कैसे भी मतलब कैसे भी टर्म कंप्लीट करके दोनों ही बराबर आना चाहिए। आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। आरएचएस नोट कर लिया, आरएचएस आप लोगों का 1/10 a और प्लस का cot a, cot a बनता क्या कहता है आप लोगों से, यहाँ पर tan a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए, साइन ए अपॉन कॉज ए होता है, और ये आप लोगों का दिया गया है cot a, cot a क्या कहता है आप लोगों से, cos a अपॉन क्या sin a। ये फॉर्मूलाज आपको हर जगह लिखना होगा, बन के अपॉन में है सब कुछ, तो यहाँ डबल बटी है एलसीएम लोगे cos a into sin a, और ये हो जाएगा आप लोगों का sin square a और प्लस का cos square a। ये कैसे हुआ, एलसीएम लोगे sin a cos a आ गया, cos a से इसमें डिवाइड दोगे sin a बचेगा, sin a का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सेम कंडीशन यहाँ पर cos square हो जाएगा। sin square plus cos square क्या होता है भाई, sin square cos square 1 होता है, ये मतलब एक, और ये ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि डबल बटे तो बड़ा होगा, पलट जाती है संख्या, और ये साइन ए, ये क्या हो जाएगा अपन में आके आएगा ऐसा ही लेकिन बन हो जाएगा। ओके तो ये आप लोगों का फाइनली क्या आ गया, कॉज ए इंटू साइन ए, कुछ इसकी शक्ल इसकी जैसी लग रही है, लग रही है, तो मतलब एल एच एस स्क्वायर टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। यहाँ पर ये आप लोगों का राइट आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला कौन कौन सा प्रयोग किया गया ये आपको लिखना होगा। जैसे कि फॉर्मूला देखो, हर लाइन में जो भी फॉर्मूला हो उसके राइट हैंड पर लिखना है, पेपर की कॉपी बड़ी आती है, आप लोगों ने परीक्षा फीस इसीलिए दी है कि आपको एक बढ़िया सा पेपर और बिंदास कॉपी मिलेगी, तो आपको जितना हो सकता है उसका उसमें भरना है। और यहाँ तक कि मैथ के पेपर में सप्लीमेंट्री नहीं लगाई तो आप महागधे माने जाते हो, इस बात को मैं आज आपसे बोल रहा हूँ। ओके तो आपको हर लाइन में जो भी फॉर्मूला उपयोग हो रहा है उसके जस्ट राइट साइड में आप लोगों को लिखना है। ओके इसी के साथ ये 9th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये है आप लोगों का 10th नंबर का क्वेश्चन, इसकी शक्ल बहुत सुंदर है, इसको एक एक से ही सॉल्व करना होगा क्योंकि इसमें तीन पार्ट है ना, तो शक्ल सुंदरता के कारण इसको बार बार सॉल्व थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन कोई कठिनाई नहीं है, देखते हैं। ये दिया गया है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन दिया गया है 1 - का cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए ठीक है भाई, cot स्क्वायर ये दे दिया। अब इसका करना क्या है, 1 + 10 स्क्वायर के रूप में दिया, हमको फाइनली 10 स्क्वायर ही लाना है, तो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है एक्चुअल में आपका, ये 1 + 10 स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए हो गया, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। बार बार सिर्फ एक ही बात की परेशानी होती है हम लोगों को भी, यदि स्क्वायर के रूप में है तो सीधा सीधा ये sec स्क्वायर 1 + 10 है और 1/1 + cot है, तो एल एच एस के रूप में लोगे तो ये 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर ही होता है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। और 1 - cot स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 - cot स्क्वायर की तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 - cot स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, प्लस का होता है, हाँ तो ये होता है cosec स्क्वायर होता है, cosec स्क्वायर हो गया, sec क्या होता है 1/cos स्क्वायर, और ये होता है पलट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर। ध्यान से समझो कौन कौन से फॉर्मूला प्रयोग किए गए, घबराना नहीं है। यहाँ पर आपका किया गया 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर ठीक, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। 1 + cot स्क्वायर ये क्या होता है, cot स्क्वायर ये होता है आप लोगों का cosec स्क्वायर ठीक है, और ये मैंने जस्ट यहाँ कौन कौन सा प्रयोग किया है, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos θ, cosec θ इज इक्वल टू होता है 1/sin θ, सब कुछ यहाँ पर प्रयोग किया गया, मैंने पलट दिया था सारी संख्याओं को है ना, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली प्रयोग किया मैंने sin θ अपॉन क्या होता है cos θ इज इक्वल टू क्या होता है sin θ / cos θ होता है आपका 10θ। देखो हर लाइन में जो भी फॉर्मूला प्रयोग किया गया मैंने लिखे हुए हैं, और आई होप आप लोग भी देखोगे। थर्ड पार्ट आ गया, देन सेकंड के साथ भी मतलब आरएचएस के साथ भी करते हैं, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a, बंदा क्या कहता है आपसे देख लीजिए भाई, tan a का मतलब क्या होता है भाई, tan a की यदि बात करते हैं तो ये होता है sin a अपॉन cos a, होता है कि नहीं होता है, होता है, तो इसको कर लीजिए, फिर यदि ऐसा ही है तो इसको कर लीजिए ये 1, और tan a का क्या होता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a, ओके ये भी आप लोगों का 1 - ये भी हो जाएगा cos a, ये cot होगा भाई, कहाँ सोते रहते हो, हाँ ये होगा cos a अपॉन sin a, ओके एलसीएम लोगे क्या आएगा ऊपर cos a आएगा, cos a ये हो जाएगा cos a माइनस का sin a, होगा कि नहीं होगा, सेम कंडीशन sin a एलसीएम लोगे ये हो जाएगा sin a माइनस का cos a, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, वो तो जाएगा, और ऊपर तो अपना जो है हॉल स्क्वायर तो चल ही रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, और आई तो यहाँ भी चलता ही रहेगा, मतलब सब जगह हॉल स्क्वायर तो चल ही रहा है, कोई इशू नहीं।
कोई इशू नहीं है तो भाई इशू नहीं है तो उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये कॉज इन माइनस का साइन इन, कॉज इन माइनस का साइन इन हो गया और ये अपॉन में हो जाएगा कॉज स्क्वायर इन, ठीक है ये भी स्क्वायर है, इसको भी उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ये अपॉन, और ये यदि माइनस कॉमन भी ले लोगे, माइनस कॉमन भी ले लोगे तो आप लोगों को क्या बचने वाला है, माइनस जैसे ही कॉमन ले लिया मैंने बाहर तो साइन कॉज ए माइनस का साइन हो जाएगा, तो मैं ले करके दिखला दूँ, ये आपका सीधा मतलब स्क्वायर लगा हुआ है तो ये यहाँ आप लोगों को इससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस के साथ लोगे ना, देखो माइनस के साथ यदि ले तो ये माइनस का आ गया, मैंने कॉमन ले लिया कॉज ए और माइनस का साइन ए और स्क्वायर हो गया, ठीक जिससे ये कट गया पूरा स्क्वायर के साथ कट गया। अभी ये होल स्क्वायर के रूप में रहने दो या आप इसको कम्प्लीटली पूरे होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ये जो ऊपर वाला लगा हुआ था थोड़ा सा उसमें देखना चाहूँगा, ये होल स्क्वायर भी था, यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है यहाँ से आप लोग को बहुत सारी हेल्प मिलेगी, ठीक ये कम्प्लीटली होल स्क्वायर था ये ऐसे, ठीक है आपका स्क्वायर हो गया, यहाँ भी आप लोगों को स्क्वायर स्क्वायर से कुछ नहीं करना है, यहाँ तो फाइनली आपको काटना था, ठीक अब ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है, माइनस का टेन थीटा क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिखा था टेन ए है और टेन ए का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का टेन ए का स्क्वायर सीधा टेन स्क्वायर ये हो जाएगा, ओके तो फाइनली आप लोगों का ये भी आर एच एस के इक्वल ही आ गया। आई होप मैं आशा करता हूँ आप लोगों को टेंथ नंबर का क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा, यदि ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है आप लोगों का 8.4 एक्सरसाइज समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो इसी के साथ आप लोगों का 8 चैप्टर भी खत्म हो चुका है। मैं आप सभी से आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और ये सारी सुविधाएँ यदि आप नियमित पढ़ना चाहते हो तो MCG एकेडमी और MCG स्कूल जो मैंने आपको बताया है चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि MCG एकेडमी मोनेटाइज हो चुकी है, इसीलिए आप लोग को स्कूल को इसीलिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि यदि आप लोग पेपर प्राप्त करना चाहते हो तो MCG स्कूल पर ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ कोई ना कोई इशू हो सकता है, ओके ये बात को आप आसानी से समझ सकते हो, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब स्कूल को भी करना ही होगा। थैंक यू।